गंदगी जो पानी बहकर के किसी नाला में इकट्ठा हुआ करता था, उस नाला में हमारे समाज की जो महिलाएं जाती थी गगरा लेकर के, जो ठिल्ली लेकर के, उस गंदगी पानी को गगरा में उठाती थी, उस गंदगी पानी को गगरा में उठा करके ठिल्ला में लेकर के घर पे आती थी और उसको रखती थी घर पे, और उसकी जितनी गंदगी था नीचे जब बैठ जाता था गंदगी उसका, जो मैला नीचे बैठता था, उसके बाद हमारे समाज के लोग उस पानी को पीते थे। लेकिन सोच के देखिए कि आज हम लोग वो पानी पी रहे हैं। उस तालाब में कुत्ता लैट्रिन पेशाब करना नहीं चाहेगा, लेकिन क्या लगता है कि उस तालाब का हमारा समाज उस समय पानी पीता था, क्या वो हम लोग पानी आज पी रहे हैं? आज हम लोग आरओ के पानी पी रहे हैं, आज हम लोग अच्छा खासा खाना खा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान ये हमारे बाबा साहेब को जैसे मिला है। अगर सोच कर देखें कि जिस समय आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, नहीं आपको नौकरी करने का अधिकार, नहीं आपको वोट देने का अधिकार, नहीं आपको पढ़ने का अधिकार, आपको नहीं पानी पीने का अधिकार, एक तालाब का कुत्ता पानी लैट्रिन पेशाब कर सकता था उस तालाब में जाकर के, बंदर लैट्रिन पेशाब कर सकता था उस तालाब में, लेकिन उस तालाब का पानी पीने के लिए हमको मरा था, हमारे समाज के लोग मर मर गए। लेकिन उस समय जिसको हम लोग घरों में पूजा करते हैं, तमाम तरह के दुर्गा देवी बना करके 10 हाथ और 5 हाथ का जो बना करके हम लोग पूजा करते हैं, जिस समय आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, आप लोग इंसान से नहीं, आप लोग पशु बन के जी रहे थे, उस समय ये लोग कहां चले गए थे जिनको आप लोग घर में बनाकर पूजा करते हैं? ये लोग कहां चले गए थे? आना चाहिए ना सामने। लेकिन सोच कर देखे कि जब आप लोग पशु से बदतर जिंदगी जी रहे थे, हम लोग पशु से बदतर जिंदगी जी रहे थे, उस पीरियड में बाबा साहब भी जन्म लिए, ये भी उस जिंदगी जी उस तरह से, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई करके और पूरा का पूरा जीवन इस भोले भाले समाज के लगा दिए। और लोग बोलते हैं कि अरे हम तो यादव हैं, चमरन खाती बाबा साहब ने किया है, हम तो कुशवाहा हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है? क्या बात है, कितना कितना मने सोचने वाली बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, यादव बिरादरी के लोग, बिरादरी कहना पड़ रहा, यादव समाज के लोग इतना जगे हुए हैं कि बाबा साहब की मिशन को लेकर के उनको पता चल गया है कि आज हम यादव हैं, आज मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे घर में IAS PCS लोग हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब की वजह से हो रहा है ये बात। को यादव लोग वहां पर जगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं यादव लोग तो कहते हैं तो चमरा कुल जाता हूँ, तो बाबा साहब का चमरा कुल मना रहे हैं, ये तो दुसाध लोग मना रहे हैं, ये तो यादव लोग हैं, ये धोबी लोग मना रहे हैं बाबा साहब का जयंती, हम लोग तो यादव हैं वाह। लेकिन इस बात को हम लोग गौरव बिल्कुल भूले, बाबा साहब ने होते तो आज हमारे घर में IAS PCS लोग पैदा हो रहा है? नहीं हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। इसलिए एक बार आप लोग सोच कर देखे कि बाबा साहब अपना पूरा जिंदगी इस भोले भाले समाज के लिए लगा दिए। हमारे जो महिलाएं आज जो बैठी हैं, सपना बोल जी अपने गीतों के माध्यम से बताएंगी कि महिलाओं के साथ क्या होता था। महिलाएं बस यूज की समान थी, यूज की, खाना बनाओ तुमके साथ बेड़िया, पैरों में बेड़िया लगा रहता था, जिसे भैंस को बांधते उस प्रकार से हमारे महिलाओं को वो लोग बांध कर रखते थे। लेकिन सोच कर देखे कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया कि जो महिलाएं जो धन संपत्ति रखने का जिनका अधिकार दिया, बाबा साहेब ने हमारे महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, जितना हमारे पुरुष का अधिकार है उतने हमारे महिलाओं का अधिकार है। लेकिन उन लोगों ने, उनके मनुस्मृति ने, ब्राह्मण लोगों ने हमारे महिलाओं को इतना दबा करके रखा, इतना जो कि पशु से बदतर जिंदगी हमारे महिलाओं का था, कि शोषण करते थे महिलाओं के साथ, शोषण करते थे महिलाओं के साथ, अन्याय करते थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने जन्म लेकर के हमारे सभी SC ST OBC हमारे वर्ग के लोगों को आज सम्मान जो दिए, इसलिए हमारे बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है। आप लोग के लिए पूजनीय कौन है? आप लोग के लिए पूजनीय कौन है? मेरे साथ दोनों हाथ लगाकर बोलेंगे बाबा साहेब, बाबा साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।